आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज की वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम करने वाले हैं लैक्मे एंड कलर बार के मस्कारा में कंपैरिजन। हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा मस्कारा अच्छा है। दोनों ही मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड दोनों का ही जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम है एंड दोनों ही वाटर प्रूफ हैं। तो आज हम इन दोनों में, दोनों ही वाटरप्रूफ नहीं है, दोनों ही इजी वॉश हैं, तो आज हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको भी पता चले कि कौन सा मस्कारा आपको लेना चाहिए एंड कौन सा अच्छा है। ये काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड प्रोडक्ट है लैक्मे का एंड मेबेलिन के मस्कारा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, काफ़ी टाइम से बेस्ट सेलर भी है। ये अभी अभी कुछ टाइम पहले ही यूज़ करना मैंने शुरू किया है, तो चलो देखते हैं कि किसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इस वाली आंख में मैं कलर बार का मस्कारा लगाऊंगी एंड इधर मैं लगाऊंगी लैक्मे का मस्कारा। तो चलो पहले कलर बार का मस्कारा ट्राई करते हैं। इसमें दो वोन दिए हैं, एक ये और एक ये यहाँ से खुलता है, तो मैं इसको यहाँ से खोल के अप्लाई करती हूँ क्योंकि इसका जो यहाँ ये वाला वोन है ये थोड़ा मोटा है, स्टर्डी सा भी है। जो पीछे से खुलता है ये बहुत ज़्यादा थिन है, पतला सा है। तो देखते हैं अभी इसको अप्लाई करके कि कैसा इफेक्ट आता है आंखों में। गाइज मुझे ना मस्कारा ऐसे ऊपर अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसे साइड में करती हूँ अप्लाई, ऐसे ऐसे बाहर की साइड। तुम लोग बताना तुम कैसे अप्लाई करते हो, या फिर एक बार ये ट्रिक आप अप्लाई करके देखना, इससे ना आंखें बड़ी अच्छी सी लगती है, बड़ा बढ़िया सा इफेक्ट आता है आंखों में। और गाइज अगर आपको ऐसी रिव्यू वाली वीडियोस और देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम रोज एक प्रोडक्ट रिव्यू किया करेंगे। मैं नीचे ज्यादा अप्लाई नहीं करती क्योंकि आंखें फिर काली काली लगती है, नीचे मैं बहुत कम प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, मैंने कलर बार का जो मस्कारा वो अप्लाई किया है। अब चलते हैं लैक्मे की तरफ। ये बड़ा जाना पहचाना प्रोडक्ट है एंड इसका जो ब्रश है वो भी थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा है क्योंकि ये कर्लिंग इफेक्ट देता है। ये जो कलर बार का है ये जूम एंड बूश मस्कारा है, स्मज प्रूफ है। तो चलो इसको भी अप्लाई करते हैं, सेम ऐसे ही हम इसको भी बाहर की तरफ अप्लाई करेंगे जैसे हमने कलर बार का किया है, वरना कभी आप ये बोलो कि इसको दूसरे भी में अप्लाई किया है तुमने। नीचे भी अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, शिट यार नीचे लग गया गाइस। तो गाइस अब तुम लोग बताओ कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा है। दोनों आंखें देखो आप मेरी, ध्यान से देखो, इधर मैंने लैक्मे का लगाया, इधर मैंने कलर बार का लगाया। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे कलर बार का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी आई बहुत ज़्यादा बिग लग रही है, ये वाली आई मेरी काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है, ये वाली इतनी बड़ी नहीं लग रही है। इसकी आईलैशेस बड़ी लग रही हैं मुझे, इसकी आईलैशेस जितनी नॉर्मल है उतनी ही लग रही है। ये कर्लिंग मस्कारा है, ये जूम एंड बूश मस्कारा है, इससे ऐसा लग रहा है मेरी आँखों में कि मेरी आई लैशेज कितनी बड़ी बड़ी हैं। इससे नॉर्मल ही इफेक्ट आ रहा है, कुछ एज सच इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा सही बताऊँ तो। ये बिल्कुल डीप ब्लैक कलर नहीं दे रहा है लैशेज को, इससे लैशेज उभर के आ रही हैं, इससे मेरी आँखें एकदम ऐसी लग रही है कि कितनी ज़्यादा बिग हैं एंड ये इतना प्यारा सा इफेक्ट दे रहा है ना लैशेज को कि लैशेज बहुत अच्छी लग रही हैं इसको लगाने के बाद। तो मैं अगर आपको पर्सनली सजेस्ट करूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कलर बार का मस्कारा। हालांकि मैंने मेबेलिन का भी यूज़ किया हुआ है, उससे भी मुझे इतने कुछ खास अच्छे रिजल्ट उसके भी नहीं लगते हैं, तो मैं आपको ये वाला मस्कारा सजेस्ट करना चाहूंगी। हालांकि इसका प्राइस है 650 रुपीज़ एंड इसका तो मैंने आपको बताया था अराउंड 550, लेकिन ये आपको डिस्काउंट पे मिल जाता है नायका पे, आप लोग चेक कर लेना मिंत्रा पे, नायका पे, अमेजोन पे, ये आपको 450 अराउंड या 500 के अराउंड मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आज तक मैंने ऐसा मस्कारा
नहीं यूज़ किया है। मतलब मुझे तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि यार आप खुद देखो, आपको समझ आ जाएगा। ये वाली आंख जो है कितनी अच्छी लग रही है, इसमें कुछ ऐसा इतना खास इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप ज़रूर से एक बार इस मस्कारा को ट्राई करना मेरे बोलने से। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद से इसको रिव्यू कर रही हूँ। मैंने इसको खुद से ख़रीदा था, तो आप ज़रूर से इसको एक बार ट्राई करो। एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है ये, स्मज प्रूफ है। स्मज नहीं होता जब आप अपनी आई ऐसे करते हो, लेकिन ये सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। ये 2 मिनट लेता है, 2-3 मिनट लेता है, अभी तक सूखा नहीं है देखो। एंड इसको देखते हैं, ये सूख गया है, ये वाला सूख गया है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है सूखने में, बस इसका यही एक ड्रॉबैक है। बाकी ये स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है। जैसे ही मैं अपना फेस वॉश करती हूँ ये एकदम निकल जाता है, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है। मुझे वाटर प्रूफ मस्कारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनसे लैशेस निकलती हैं फिर, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है मस्कारा को निकालना। ऐसे ऐसे रगड़ना पड़ता है माइसेलर वाटर लेके। तो मुझे इजी वॉश मस्कारा ही अच्छे लगते हैं, और मुझे इसको माइसेलर वाटर से भी रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं फेस वॉश से अपना मुँह धोती हूँ ये एकदम निकल जाता है। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। तुम लोग कमेंट करके बताना तुम्हें कैसी लगी, और ऐसे ही रिव्यूज़ वाले, जेन्युइन रिव्यू दिया यार मैंने ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। चैनल को लाइक कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू गाइस।